Dear students, in this module, we are going to talk about is sociology a science? We continuously talk about sociology as a science, as a social science, and we also try to understand the difference between science or scientific activity and non scientific activity. However, this question is pretty much debatable among the theoretical sociologists and among different philosophers that whether social science can really be called a science. So sociology uses the scientific methods to study the social phenomena. It relies on empirical observations, data analysis, and theory building process to understand the social world around us. So we science established scientific activity jo hai वो थीरी बिल्डिंग प्रोसेस होती है और एम्पेरिसम के ऊपर बेस कर रही होती है जिसमें हम एम्पेरिकल डेटा को एविडेंस के तौर पे कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको सर्टेन थ्रेटिकल एग्जाम्पन्स के थ्रू टेस्टेबल बनाते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो नेचुरल साइंसिस के अंदर हो रहा होता है इसी को हम रेप्लिकेट करते हैं सोशल साइंस के अंदर भी तो सोशल साइंसिस पर्टिकुलरली जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं और हम अगर ये क्लेम करें कि क्या सोशोलॉजी साइंस है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सोशोलॉजी साइंटिफिक मैथड को एज एन एज एन अप्रोच टू हैव और टू टू एक्सप्लोर द नॉलेज यूज़ करती है या नहीं तो इट डेफिनेटली रिलाइज ऑन द एम्पेरिकल एंड डेटा अनालस एंड थीरी बिल्डिंग प्रोसेस सो फॉर दिस रीज़न वी कंसिडर दैट सोशोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन सो इट एम्स टू डिवेलप द टेस्टेबल एंड फालसिफाइबल एक्सप्लेश सोशल फिनिना जैसे हम मिसाल लेते हैं कि क्या गुरबत जो है वो क्राइम रेट को कॉज करती है तो हाँ ये एक ऐसा वेरिएबल ऐसा हाइपोथिस है जो एम्पेरिकली टेस्टबल है इसी तरह से हम ये देखते हैं कि क्या हायर एजुकेशनल अटेन्मेंट वुड लीड टू हायर प्रॉबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो इसको भी हम एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस के तौर पे देखते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस भी हम इसको देख सकते हैं क्योंकि जो टेस्टेबिलिटी होती है उसको अक्रॉस टाइम एंड स्पेस भी देखना होता है ये महज किसी एक सोसाइटी का फिनल नहीं होता बल्कि अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है इसको वेरीफाई किया जा सकता है इसी तरह से किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये वैलिड नहीं होता बल्कि इसको हम अक्रॉस डिफरेंट टाइम स्पेसिस जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं तो इट इनकॉर्पोरेट्स द पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड रेप्लीकेशन टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलाईबलिटी ऑफ फाइंडिंग्स तो साइंटिफिक नॉलेज प्रोडक्शन प्रोसेस में इसकी वैलिडिटी और इसकी क्रेडिबिलिटी एक तो पीयर रिव्यू प्रोसेस से की जाती है और दूसरा इसकी रेपिटिशन या रेप्लीकेशन से की जाती है कि क्या इस स्टडी को इस रिसर्च को रेप्लीकेट किया जा सकता है इसके रिजल्ट को दोबारा से असेस करके तो हम देख सकते हैं कि क्या यही फाइंडिंग्स या यही कंक्लूजन ड्रा हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं तो ये डिफरेंट जो एंगल्स uh, हैं या डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं दे लीड अस टू कंक्लूड दैट ये सोशोलॉजी कैन बी कंसिडर्ड आ साइंटिफिक डिसिप्लिन हाउ एवर सम आर्ग्यू दैट सोशोलॉजी कैन नॉट बी साइंस ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फिनमिना लेटर ऑन मेन वी सी दैट by the passage of time that the theories अ uh, become more and more complex and they endeavor to discuss the foundations of sociology as a discipline तो हमें उसके अंदर नजर आता है कि sociology शायद उस तरह का concrete scientific discipline ना हो जिस तरह के हम natural sciences के अंदर देखते हैं वसंत जो natural sciences के object हैं अ uh, for the scientific study जो जो, जो physical objects हैं जो physical word है वो रेलिटिवली परमानेंट होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एब्रप्टली या सडनली चेंजिंग प्रोसेस के अंदर नहीं होती हैं हाउएवर सोशल साइंस के अंदर बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो बहुत डायनामिक होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और सब्जेक्ट टू चेंज होता है तो इस वजह से जो भी एक्टिविटी या जिस प्रोसेस के जरिए हम वो नॉलेज एक्वायर करते हैं हमें लेटर ऑन लगता है कि शायद ह्यूमन बिहेवियर के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स की वजह से ऐसी तब्दीलियां रूना हो चुकी हैं कि शायद इस स्टडी के रिजल्ट को रेप्लीकेट करना मुमकिन ना रहे तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके मुताबिक शायद सोशोलॉजी को सोशल साइंस के अंदर नेचुरल साइंसेस की तरह की क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं है अदर्स आर्ग्यू दैट सोशलोजी कैन बी अस इफ़ इट एडेस टू दोफिक मैथ अबाउट examples are that studying the relationship between religion and mental health using the scientific method तो ये एक observable phenomenon है कि कैसे religion जो है वो आपके mental health के ऊपर effect कर सकता है that can have a very positive effect आपके spirituality के ऊपर effect कर सकता है mental health issues जो हैं उन लोगों के अंदर relatively कम होंगे जो जिनमें religiosity का level ज़्यादा होगा तो इस तरह से इस फिननलनल को हम एम्पेरिकली टेस्टेबल समझते हुए ये क्लेम कर सकते हैं कि सोशोलॉजी भी एम्पेरिसिजम के ऊपर बेस करती है और बाकी साइंसिस की तरह ये भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करती है